जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार साल में चार बार नवरात्रि का आगमन होता है। नवरात्रि में देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। ठीक इसी तरह गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की दस महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बगलामुखी, माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। इस पूजा से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। इसी साल आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा गज यानी हाथी की सवारी से आएंगी। नवरात्रि पर इस बार गुप्त नवरात्र पर स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो कि 11 जुलाई को सुबह 5:31 से रात 2:22 तक रहेगा और उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। ये विशेष संयोग बेहद शुभकारी है और सारे काम सिद्ध करने वाला है। इसके अलावा नवरात्रि में पूजा की शुरुआत आद्रा नक्षत्र में होने से योग और भी उत्तम हो गया है। आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी तिथि एक ही दिन है, इससे सप्तमी तिथि का क्षय हो गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ तिथि 11 जुलाई 2021। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 10 जुलाई 2021 सुबह 6:46 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त 11 जुलाई 2021 के समय 7:47 पर। अभिजीत मुहूर्त 11 जुलाई दोपहर 12:05 से 11 जुलाई दोपहर 12:59 तक। घट स्थापना मुहूर्त 11 जुलाई सुबह 5:52 से 7:47 तक। इस बार गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली शक्तियों की साधना के बारे में जहां कम लोगों को ही जानकारी होती है, वहीं इससे जुड़ी साधना आराधना को भी लोगों से गुप्त रखा जाता है। मान्यता है कि साधक जितनी गुप्त रूप से देवी की साधना करता है, उस पर भगवती की उतनी ही कृपा बरसती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार गुप्त नवरात्रि के अवसर पर उत्तम योग बन रहे हैं। इसकी शुरुआत स्वार्थ सिद्धि योग में हो रही है। गुप्त नवरात्रि पूजा की शुरुआत में आद्रा नक्षत्र और स्वार्थ सिद्धि योग होने से उत्तम योग बन रहा है। जय माता दी।